ये इकलौता ऐसा होटल है जो पूरे गुजरात में एक ही है, मतलब ये लेजेंड होटल और ये हाई प्राइस। सबसे पैसे वसूल तो अंशु ही कर रहा है। ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हो ये ओरिजिनल है, और इन पे भी आप खा सकते हो। और यहाँ पे पनीर घुमानी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त देहोल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिपिस ब्लॉग में। और अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे कोने में सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे टच करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो आज मैं आया हूँ बड़ौदा फैमिली के साथ, पूजा और अंश मेरे साथ है। तो आज बड़ौदा में एक अनोखा होटल खुला है, इसका इनॉग्रेशन अभी 25 तारीख को ही हुआ है। ये इकलौता ऐसा होटल है जो पूरे गुजरात में एक ही है। तो मैं बात कर रहा हूँ हाई फ्लाई होटल की। यहाँ पे एरोप्लेन को ही होटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है। पूरे गुजरात में ये पहला है जो बड़ौदा में ही बना है, अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 48 और ये है होटल लेजेंड, मतलब ये लेजेंड होटल और ये हाई फ्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लंच के लिए भी बहुत भीड़ है, तो देखते अभी अपना नंबर आता है कि नहीं आता है। आज संडे है और फेस्टिवल भी ख़त्म हो चुका है, कल ही भाई दूज गई है, तो आप देख सकते हो भीड़। तो अभी चलते हैं और पहले लेते हैं टोकन, उसके बाद अपन लेंगे बोर्डिंग पास। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन लोग का मैनेजमेंट जो है क्राउड को हैंडल नहीं कर पा रहा है, सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो गया और मैनेजमेंट फेल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखते हैं आगे अंदर कैसा है, बाहर तो लोग ने हैंडल नहीं किया है, अंदर देखते हैं। यहाँ पे किसी को मजा आए ना आए, अंश को आज बहुत मजा आया। गार्डन है तो अंशु को मजा आ रहा है, पर हम लोग को बहुत जबरदस्त भूख लग गई है। ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हो ये ओरिजिनल है, मतलब डिसमेंटल करके बेंगलोर से यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे गार्डन में हर जगह म्यूजिक बज रहा है, इसलिए मैं म्यूजिक कॉपीराइट की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर तो बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, खास करके अंशु को बहुत मजा आ रहा है। सबसे पैसा वसूल तो अंशु ही कर रहा है वेटिंग में। हम लोग 1-1.5 घंटे से यहाँ पे वेटिंग में हैं और दोपहर को 12 बजे से 3:30 बजे तक खुला रहता है और शाम को 6 बजे से शुरू होता है। तो बस अभी हमारा नंबर आएगा ही 15-20 मिनट या आधा घंटे में आ जाएगा, तब तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस अब देखो अब तक आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में बताना, और खाने का रिव्यू हम लोग बाद में देंगे। तो बस वीडियो पूरा, हम लोग एरोप्लेन में घुस गए और यहाँ पे बहुत ही तकलीफ हुई। अंशु ने बहुत ही परेशान किया लास्ट में, क्योंकि बहुत खतरनाक वाली भूख लग गई। अभी बस अभी बहुत सारी बातें अपन बताएंगे इसके बारे में, तो बाद में करेंगे, पहले अपन खा लेते हैं और सर्विस देखते हैं। तब तक अंशु जो है वो नमक खा रहा है, वो नमक खा रहा है और उसके लिए आ चुका है बटर मिल्क। हाँ, ये रहा उसका बटर मिल्क। अच्छा,
तंदूरी रोटी बटर वाली, और बस अभी खाते हैं। यहाँ पे एक स्विच सेंसर बटन जो बोल सकते हो, वो दबाने के बाद अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो यहाँ से वो सर्विस आपको मिल जाएगी। तो ये है वो सेंसर। तो ये जो कैबिन है, कैबिन के अंदर अगर आपको जाना है तो यहाँ पे 400 रुपीस की फीस है, वो दे के आप अंदर जा सकते हो। यहाँ पे आप विंग जो है यहाँ पर भी खा सकते हो, देखिए कि आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, और विंग्स पे भी आप खा सकते हो, पर वो डिनर ही होगा नाइट में, दिन में तो इतनी धूप में कोई जाएगा नहीं। और उसकी जो बोर्डिंग पास रहेगा वो अलग से लेना पड़ेगा आपको, और इसका जो अलग रहेगा। तो अगर आप इसका ले तो उधर नहीं जाने देंगे, और उसका लेंगे तो इधर नहीं जाने देंगे। तो हमने यहाँ पे खा लिया है, और 1100 रुपये का बिल बना है टोटल, और 1100 रुपये में से 700 रुपीस, मतलब 350 रुपीस पर हेड इन्होंने बोर्डिंग पास लिया था, तो 700 रुपीस माइनस करके हमें 400 रुपीस पे करने पड़े। तो बस अच्छा है, एवरेज खाना है, और मैनेजमेंट एकदम पुअर है, तो धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, क्योंकि इसको चालू हुए ये एक हफ्ता 15 दिन हुए हैं, तो मैनेज हो जाएगा, पर इनको स्टाफ सच में बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे झगड़े भी हो रहे थे। और बस बिकॉज ऑफ ये नया है, दैट्स व्हाई इन लोगों को सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नथिंग एल्स। नया है तो लोग बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं इधर, और इन लोगों का स्टाफ बहुत ही कम पड़ रहा है। इन लोगों को फेस्टिवल सीजन में कम से कम स्टाफ बढ़ाना चाहिए। और अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ऐसा सोच के ही आना कि दो या तीन या शायद चार घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं गूगल में लोगों ने क्या क्या रिव्यू दिए हैं इस हाई फ्लाई होटल को। अभी युवराज फालके बोल रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने मेनू देखा और उनको मतलब भाव बहुत ज़्यादा लगा, रेट बहुत ज़्यादा लगे इधर के, उन्होंने 2 स्टार दिए। अभी किन्नरी भट्ट ने 1 स्टार दिया है, वो लिखा है न्यू वे टू कॉन पीपल, पैंथेटिक सर्विस, यू स्टाफ बट स्क्रैप सर्विस, नॉट वर्थ वेस्टिंग 4-5 आवर्स, मतलब अच्छा रिव्यू नहीं है। आशीष क्रिस्टी जो है उन्होंने 5 स्टार दिया है, हाँ यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलेगा, मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग यहाँ पे बिल्कुल मत आए, वेज खाना हो तो यहाँ पे ज़रूर आए। और सैफ अली विशाले बोल रहे हैं, उन्होंने भी 1 ही स्टार दिया है, वो बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली वाले हो यहाँ पे नहीं आ सकते, बहुत ही हाई रेट्स है। तो ऐसे गूगल में बहुत सारे लोगों ने इसके मतलब ख़राब नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। तो आपको क्या लगा रेट्स और सब मैंने आपको दिखाया, तो आपको कैसा लगा, आप आना चाहोगे, अगर आ गए हो क्या आपका एक्सपीरियंस हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो बस ऐसा है हाई फ्लाई होटल। यहाँ पे अंकल एक देख रहे हैं, उनसे ही पूछ रहे थे सर आपको कैसा लगा। थीम अच्छा है, थोड़ा मिसमैनेजमेंट है। ओके, और खाने में और सर्विस इनका कैसा लगा सर आपको? सर्विस तो ठीक है, पर फूड एवरेज है, जैसे हाईवे की होटल रहती है, सब सिटी वाला जो नॉर्मल मिलता है वैसे, ये बस थोड़ा प्राइस हाई है। आपको लोकेशन अच्छा मिलेगा, लाइटिंग वगैरह अच्छी मिलेगी, म्यूजिक मतलब आपको फ्लाइट वाली थोड़ी फीलिंग आएगी। तो थीम अच्छी है, थीम अच्छी है, हाँ एक बार विजिट कर सकते हो। तो बस ये था हाई फ्लाई का मेरा एक्सपीरियंस, मुझे एवरेज लगा, एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या अच्छा लगा, आप यहाँ पे आना चाहोगे नहीं, या आकर गए हो, जो भी आपका कुछ एक्सपीरियंस हो वो कमेंट में शेयर ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन आपका है। तो बस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और इसके बारे में बताना रहेगा कि ये पूरे वर्ल्ड में 9 नंबर पे आती है, और गुजरात में 1st नंबर की, और इंडिया में 4th। तो गुजरात में 1st है, तो ठीक है एक बार विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे विमान में कई तरह के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यह विमान पूरी तरह से विद्युत व्यंजनों से तैयार किया गया है। आप सभी यात्रियों से अनुरोध है कि इस विमान के उपकरणों को छुए नहीं, अन्यथा आपका हानि पहुँच सकती है।